पौड़ों का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी जो कि है एक फेस वॉश के ऊपर। तो जिसको सबको पता है मैं फेस वॉश मेरे चैनल में बहुत सारे फेस वॉश का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। तो और काफ़ी टाइम मैं बहुत फेस वॉश ऐसा अलग अलग फेस वॉश ट्राई करना फेस वॉश ट्राई करती हूँ जो कि मुझे जो जिसको भी अच्छा पड़ता है मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज वैसे ही मैं आज एक लेके आ गई हूँ एक फेस वॉश का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अभी वन मंथ हो गया मैं यूज कर रही हूँ। तो आज जो फेस वॉश है वो फेस वॉश है क्या, तो आज जो फेस वॉश है ये वाला जो कि हिमालय नेचुरल ग्लो रोज फेस वॉश गुडनेस ऑफ रोज रिपल्स योर नेचुरल ग्लो 50 मिलीग्राम। तो ये छोटा वाला है 50 मिलीग्राम उसका 100 मिलीग्राम का भी है पैक, पर मैं ये छोटा वाला ट्राई करती हूँ, छोटा वाला देखते हैं उसके बाद बड़ा वाला ट्राई करते हैं ये कैसा होगा। तो मैंने छोटा वाला आई थिंक कॉम्बो में दो खरीदा था और उससे ये मैंने मिंत्रा से खरीदा था और यहाँ अमेजन में और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, आप जहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था और फिर भी मैं मिंत्रा से लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेकआउट जरूर कीजिए। तो बेसिकली ये है हिमालय का फेस वॉश। और गाइस ये जो फेस वॉश है ना हिमालय का, आप जानते हैं हिमालय बहुत काफ़ी पुराना ब्रांड है और बहुत अच्छा अच्छा क्या बोलते हैं उसके सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए मैं हिमालय का प्रोडक्ट तो वैसे भी फैन हूँ और उस हिमालय के प्रोडक्ट बिना कुछ सोचे मैं उसे ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैं ये वाला फेस वॉश आपको ट्राई करके दिखाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ क्योंकि सब बोलते थे आप सिर्फ हाथों पर लगा के दिखा देते हो फेस पर नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं मैं फेस पर भी लगाती हूँ, पर ये अलग बात है मैं उसे सूट इतना ही नहीं कर पाती इसलिए मैं एक टाइम पर बैठ के ही सूट सब कर लेती हूँ। पर आज इसका डेमो भी देंगे और ये यूज करूँगी। तो ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला मैं यूज करने के बाद ये सेकंड वाला आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो कि है 50 ग्राम का। और गाइस ये है इतना ये कितना 79 रुपीज पड़ा था। और गाइस ये किसे यूज करते हैं, पहले तो फेस को अच्छे से धो के उसके बाद देखे सफिशेंट क्वान्टिटी ऑफ हिमालय नेचुरल ग्लो रोज फेस वॉश एंड जेंटल वर्क ऑफ द लेदर नाइन्स एंड पैट ड्राई हेल्दी स्किन एंड नेचुरल ग्रोथ फ्री फ्रॉम पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन एनिमल रबर इंग्रेडिएंट्स। और तो ये पैराबिन फ्री है सिलिकॉन फ्री है और गाइस ये बस इतना ही बोल रहा है। और आपको नॉर्मल जैसे फेस वॉश आप यूज करते हो वैसा यूज करो और रेगुलर बेसिस पे यूज करो। और गाइस ये मैंने भी दो यूज किया है। मैं एक बात बोलूँगी आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो ना उसका दो पैक जरूर खरीदे क्योंकि एक पैक में आप सिर्फ 15 दिन में यूज करके ही आपका रिव्यू नहीं देख सकते पूरा क्या बोलते हैं अच्छे से आपको यूज करने के बाद ही पता चलता है क्या यूज करें या ना करें। तो अभी मैं थोड़ा सा उसके फेस पर लगाऊँगी अच्छा धोऊँगी तो ये ऐसा है और थोड़ा सा क्वांटिटी मान के लूँगी। ये जेल पे नहीं लाल वाला जेल से नहीं होता ये एक जिस तरह है आप देख भी नहीं सकते इतना दिखाई भी नहीं देगा पर जैसे रोज़ की तरह स्मेल नहीं करता वैसे ही स्मेल करता है। और गाइस इसकी स्मेल गाइस काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे करके आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है और बहुत लोग ऐसे होते हैं एक दिन में 1 बार फेस वॉश करते हैं और बोलते हैं फेस वॉश काम नहीं करता ये फेस वॉश काम नहीं किया वो क्या फेस वॉश काम नहीं करा, पर ऐसा नहीं है। आप कोई भी फेस वॉश यूज करो ना दिन में 2 बार यूज करो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले उस वही से फेस वॉश आप 15-20 दिन तक यूज कीजिए। उसके बाद अगर आपको फर्क दिख रहा है तो आप इसे कंटिन्यू करें, अगर फर्क नहीं दिख रहा है तो और कुछ प्रोडक्ट और कोई फेस वॉश आप चूज कर ले। और गाइस एक बात मैं बोलूँगी वैसे ही इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिखता, मुझे तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं दिखा, फिर भी बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। जिन लोगों को साइड इफेक्ट अगर कुछ इचिंग प्रॉब्लम हो रही है मुझे तो नहीं लगता हुक्का, पर अगर हो रही है तो इमीडिएटली आप इसे छोड़ सकते हैं, इमीडिएटली आप इसे बंद कर देना यूज करना, नहीं तो उसके बाद आप बोलोगे आपने बोला तो अच्छा पड़ रहा है हमारे फेस में से क्यों आता। नहीं आप हर बार सबका स्किन टाइप अलग होता है इसलिए आपको देख के ही सब प्रोडक्ट यूज करना है। हम यूज कर रहे हैं बोल के आप मत यूज करिए, पहले प्रोडक्ट को देखिए आप पैच टेस्ट जरूर कीजिए। मैं सब यूज कर रही हूँ मैं पैच टेस्ट अच्छी तरह टेस्ट पेस्ट करके ही आपके साथ दिखाती हूँ, नहीं तो मेरी शक्ल मुझे बहुत प्यारी है मैं इसे थोड़ी बर्बाद करूँगी। तो ऐसा है बस थोड़ा सा अमाउंट पर लोगे ना उतने में फेस ये बता तो हो गया 2-3 मिनट तो हो गया है मैं फेस मसाज करते, अब जाके आपको धो के मिलती हूँ। मैं धो के आ चुकी हूँ आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से फेस साफ हो गया
और गाय से काफी अच्छा फेस वॉश है, मुझे भी और ड्राई भी नहीं होते। बहुत सारे ऐसे फेस वॉश होते हैं तो फेस वॉश करने के बाद फेस ड्राई हो जाते, ये ड्राई नहीं होते, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। ओवरऑल अच्छा फेस वॉश है, मैं ये नहीं बोलूँगी ये नहीं बोलेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं गोरे हो जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी फेस वॉश कोई क्रीम आपको गोरा नहीं कर सकता। अगर आप गोरे सिर्फ आप डॉक्टर के मेडिकल ट्रीटमेंट से ही बढ़ सकते हो, जितना मुझे पता है ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है आप गोरे ही बन जाओगे, नहीं ऐसा अगर तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो मुझे बताना जरूर, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ओवरऑल आप डेली बेसिस के लिए फॉर टीनेजर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो कि कॉलेज गर्ल गोइंग गर्ल है उनके लिए और स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल है उनके लिए परफेक्ट है ये फेस वॉश, क्योंकि बहुत कम दाम में आपको मिल रहा है। 80 रुपीज़ में आपको एक फेस वॉश मिल रहा है, तो काफ़ी आप आराम से 15 दिन तक तो चल जाएगा। तो आप एक तो आपको इसे ज़रूर बाय करना चाहिए और मैं बाय करना चाहिए और मैं तो बोलूँगी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, तो बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। मैं मुझे तो कुछ ड्राइनेस फिर नहीं हुआ है और मेरा फेस आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू, मिलती हूँ सबको नई वीडियो के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।